गुरुदेव संसार में सुख है ही नहीं क्या? आपके मन का जो भी लॉजिक है ना, लॉजिक को प्रूव करने के पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात करूं। एक रानी थी, रानी के पास करीबन 1 करोड़ का डायमंड का नेकलेस था। खुद के जीवन से भी, खुद के पति से भी, राजगादी से भी ज्यादा प्यार रानी को इस डायमंड के साथ था। आज के प्रवचन का इस एग्जाम्पल सुनने के हर कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक दिन राजा के साथ रानी घूमने के लिए निकली, पूरी रसाला के साथ, सैन्य है, सब कुछ है। आगे चलते 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 ऐसा हुआ, एक पेड़ के नीचे राजा और रानी बैठे। सब सैनिक को बोल दिया, थोड़ी इधर उधर चले जाओ। सब गए, भोजन का समय हुआ था। जो भी भोजन की सामग्री दी, खाने का प्रयास किया, मगर रानी ने इतना कहा राजा को कि भोजन करते वक्त डायमंड का नेकलेस थोड़ा बोझ लगता है, बाजू में रख देती, रख। बाजू में रख दिया। बाजू में रखने के बाद भोजन किया, ठंडी हवा आ रही थी, वटवृक्ष था, थकान थी। रानी ने राजा को कहा, आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, सो जा। यहाँ रानी सोई, वहाँ राजा सोया। और 1.25 घंटे के बाद रानी उठी, तब उसने देखा वो डायमंड का नेकलेस था ही नहीं। रानी चिल्लाई, राजा उठ गया, क्या हो गया, डायमंड का नेकलेस कहाँ गया? हम दो ही तो हैं यहाँ, कोई आया तो नहीं, कौन लेके गया? और आगे की कथा इतनी जबरदस्त चलती है, मैं शॉर्ट में बता दूं। सैन्य को बुलाया, रानी ने बोल दिया कि 2 दिन में मुझे नेकलेस नहीं मिलेगा, मैं प्राण त्याग कर दूंगी, मुझे आपसे भी ज़्यादा प्रिय नेकलेस, हम किसी भी हिसाब से नेकलेस को ढूंढ लेंगे। चारों ओर राजा ने सैनी को भेज दिया, चारों ओर। और दूसरे दिन शाम को एक सैनिक दौड़ते दौड़ते है, राजन हार मिल गया, लाओ, ला नहीं पाए। मैंने देख तो लिया मगर ला नहीं पाया। कहाँ देखा? एक तालाब है, बहुत थोड़ा सा पानी है तालाब में, स्वच्छ निर्मल पानी, और निर्मल पानी के नीचे वो हार पड़ा है। कहाँ रुकना था? रानी के साथ राजा दौड़ा। राजा जैसे ही दौड़ा, उसने ओहो, निर्मल जल में वो डायमंड का हार बिल्कुल रानी के चेहरे पे चमक आई। राजन जल्दी लेके आओ। और अपने पास गोताखोर थे, दो को बोल दिया, जा नीचे जाकर के हार लेके आ। और जैसे वो नीचे गया, हार नहीं मिला। जिस पॉट पे हार था, वो हार पे गया तो हार ही नहीं मिला। वापिस आया, 15 मिनट तक वहां रुक गया और फिर हार दिखाई पड़ा। अरे, लेने के लिए जाता है, मिलता नहीं, और फिर हार दिखाई पड़ता है, बात क्या है? 2 घंटे तक प्रयास करने के बाद भी हार नहीं मिला। तब उसी रास्ते से सन्यासी जा रहे थे, और राजा ने सन्यासी को पूछा, भगवान ये चमत्कार, ये जादू, ये समझ में नहीं आता है, रानी प्राण त्याग कर सकती है, डायमंड नहीं मिला तो? और वो सन्यासी ने कहा, चलो मुझे ही दिखा दो। दिखा दिया, तालाब, तालाब का पानी, नीचे दिखा पड़ा हुआ हार। और राजा को कहा, भेजो किसको? 10 बार भेजा, फिर भी एक गोताखोर को भेजा। और जैसे ही अंदर गया, हार दिखना बंद हो गया, सन्यासी के चेहरे पे चमक आ गई, हार मिल गया। कैसे? देख तो लिया, मिल कैसे गया? बस वही एड्रेस आपको देना। अरे, यहां तो एड्रेस है नहीं मिलता है, गलत एड्रेस पे तुम गए। तो एक काम करो, ये तालाब के ऊपर जो पेड़ है ना, पेड़ पे जो डाली है ना, वहां तक तुम चले जाओ। और वो देखा डाली, डाली पे हार लटकता था,
नदी में दिखाई पड़ता है, मगर हार डाली पे, डाली पे आदमी को भेज के हार तो लेके आया, मगर राजा सी सन्यासी के पाठ बैठ करके पूछता है कि भगवान ये क्या है, ये क्या चमत्कार, ये कैसे हुआ, हार तो इसमें दिखाई पड़ता था, देख ली आपने ऊपर। राजा ने ऐसा लगता है कि तुम जब सोए थे ना, तब कोई चील ने उसको माउस का टुकड़ा समझा होगा, ग्रीन कलर का था हार, रेड कलर भी थे, उसने उठा लिया होगा, मगर ऊपर जाने के बाद पता चला उसमें खाने का कुछ नहीं, उसने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद डाली पे लटक गया और ये तालाब में उनका प्रतिबिंब पड़ा। आपको लगा हार यहाँ है, हार ऊपर है, बस ये कथा ये कहती है। परमात्मा ये शब्द मुझे और आपको कहते, जहां भी सुख दिखाई पड़ता है वहां ऑपोज में चले जाना, सुख वहां है। एक गंभीर बात, जहां भी तुझे सुख दिखाई पड़ता है बिल्कुल ऑपोज में चले जाना, सुख वहां है, वहां है ही नहीं। तालाब में तुझे हार दिखाई पड़ता है, हार वहां नहीं है, सीधा ऑपोज में देख लेना, हार वहां है। ये परछाई है, प्रतिबिंब है, असली बिंब ऊपर है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने जो बता दिया, जहां भी आपको सुख दिखाई पड़े रिवर्स में चले जाना, सुख वहां है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, एकदम गंभीरता से जवाब देना, आपको यदि लगता है रसगुल्ला में सुख है, नहीं, ऑपोज में चले जाना, रसगुल्ला जीभ में जबान से तुम खाते हो, बस सुख है तो यहां है। यदि रसगुल्ला में सुख होता तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 6 डिग्री बुखार में रसगुल्ला खा के दिखाओ और सुख की अनुभूति करके दिखाओ। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, सर बोलो सुख कहां है, रसगुल्ला में कि तुम्हारी जबान में? मुझे हां बोलने के लिए हां मत बोलना, मैं आपको ही पूछना चाहता हूं, यदि सुख रसगुल्ला में होता तो 4 डिग्री बुखार में, अरे छोड़ो बुखार नहीं है, सशक्त शरीर है तुम्हारा, और एक साथ एक रसगुल्ला हाथ में तुमने उठाया है और उसी टाइम समाचार है कि 50 करोड़ का लॉस बिजनेस में हो चुका है, रसगुल्ला में आपको सुख दिखाई पड़ेगा? नहीं, था ही नहीं। आपको जहां भी सुख दिखाई पड़े वहां ऑपोज में चले जाना, वही सुख असली सुख है। ये जो आपको सुख दिखाई पड़ता है वो परछाई है, असली सुख डाल पे है। यदि तुम वहां चले जाएंगे फिर तालाब की परछाई के पीछे पागल, सर बोलो कितनी वो गोथागोर कितने टाइम अंदर गिरता तो उनको हार मिल जाता, नेवर नेवर, जिंदगी समाप्त हो जाती मगर हार नहीं मिलता, और एक ही बार ऊपर गया हार मिल गया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्लीज आपको लगता है कि रुपये में सुख है, गिन के दिखाओ, सच बोलो। यदि आपका मन स्वस्थ मस्त नहीं है तो कोई रुपये का सुख आपको नहीं है। मैं आपको बताऊं, बैंक के कैशियर को रुपये गिनने का सुख कितना? बैंक का कैशियर होता है ना, वो पूरे दिन भर तक रुपया गिनते रहते हैं, उनको मुझे सुख कितना मिला? वो बोला जितना ज्यादा जमा होता है ना उतनी दिक्कत होती है, साला कितना गिनना कितना गिनना, बंद हो जाए तो अच्छा है। रुपये गिनने से सुख मिलता है, बोन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, रुपये गिनो और सुख अनुभव करो, आपको लगेगा गुरुदेव यहाँ सुख नहीं है, सुख मेरे पास ही है, बस यही धर्म है।